नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। फेसबुक और टेलीग्राम पर दोस्तों आप प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं रोजाना महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। क्लास से जुड़े नोट्स और पीडीएफ आप इंस्टा मोचो पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरह के टॉपिक जो आपको हर एग्ज़ाम में इस तरह के जो है एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है और इसके आधार पे आपको जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, उसको चेक करने को कहा जाता है कि बताइए कि ये सही है या नहीं। तो इस तरह के जो अलग अलग वेरायटी के चार पाँच क्वेश्चन होते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं, और मैं केवल आपको एक ट्रिक बताऊँगा और उस ट्रिक के माध्यम से आप कितने भी क्वेश्चन रहे इस वेरायटी के, ठीक है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे केवल एक ट्रिक से आप वो जो है क्वेश्चन बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, केवल आप समझने में फोकस करिए। ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप पूरा फोकस समझने में करिएगा। तो चलिए, हम मान लेते हैं कि घर में 5 सदस्य हैं और ये जो श्राइन है उसको हम सदस्य की तरह जो है याद रखते हैं रिलेट करके, ठीक है। ये जो श्राइन है ग्रेटर वाला, उसको हम बड़ा भाई मानते हैं, ये है बड़े भाई की पत्नी, ये है छोटा भाई, ये है छोटे भाई की पत्नी और ये है नौकर। मतलब घर में हैं, इस घर में 5 सदस्य, बड़ा भाई, बड़े भाई की पत्नी, छोटा भाई, छोटे भाई की पत्नी और नौकर। तो देखिए, घर में जब सब एक साथ रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे घर में जब, तो सबसे ज़्यादा चलेगी किसकी, बड़े भाई की। लेकिन जब घर में बड़ा भाई उपस्थित नहीं रहेगा तब बड़े भाई की पत्नी की चलने वाली है। अब ऐसा हुआ कि ये दोनों उपस्थित नहीं हैं तब चलेगी छोटे भाई की, अगर ये तीनों उपस्थित नहीं है तब छोटे भाई की पत्नी की चलेगी, और ये चारों उपस्थित नहीं है तब नौकर का चलेगा। बस आपको कुछ इस तरह से इसको याद रखना है। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा अलग लग रहा हो, ये समझ ना आ रहा हो, लेकिन हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको ये निष्कर्ष चेक करना है। तो दोस्तों, जो इस कंक्लूजन रहता है उसका जो लेटर होगा, बस आपको उसे फोकस करना है और उसे आपको यहाँ पे लिख देना है, पी और टी, और इनके बीच जितने भी साइन है ना उसको आपको स्टेटमेंट में चेक करना है। मतलब पी और टी यहाँ पे है और इनके बीच जो जो साइन है उसको हमको लिखते जाना है। तो यहाँ पे जो जो साइन है हम उसको लिख देते हैं। अब ये घर के सदस्य हो गए, एक साथ मौजूद है, किसकी चलेगी, बड़े भाई की चलेगी, ठीक है। तो पी ग्रेटर देन टी, मतलब ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर ये जो है दो, हम चेक करते हैं कंक्लूजन दो, क्यू और एस, क्यू और एस के बीच कौन कौन सा साइन है, एक तो इक्वल टू वाला है और ये साइन है, ठीक है। तो किसकी चलेगी, बड़े भाई की पत्नी की, मतलब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, मतलब ये सही है। तो बिल्कुल बहुत सरल है, आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ पे ध्यान देना है, ट्रिक जो है वही आपका जो है काम करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दो में पहला कंक्लूजन देखते हैं, आई और एन चेक कर लेते हैं, आई और एन क्या कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए, इसके बीच है इक्वल और ये चलेगी किसकी, इसकी, आई और एन। तो ये देखिए, ये जो है उल्टा है, मतलब ये है गलत हो जाएगा। आई और एच चेक करते हैं, आई और एच, तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे इक्वल है, आई और एच के बीच सिर्फ इक्वल साइन है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। सी और एस देखते हैं, सी और एस, सी एस यहाँ पे है, ये साइन और ये। तो देखिए, ये वैसे तो होना चाहिए था हमारे ट्रिक के हिसाब से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आना चाहिए था, बड़े भाई की पत्नी का, मतलब ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन दिख रहा है। अपोजिट साइन मतलब ये अपोजिट साइन बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो जितने भी अपोजिट साइन होते हैं वो हमेशा रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपोजिट साइन नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो स्टेटमेंट जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है, वो कंक्लूजन जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो दो क्वेश्चन हम देख लिए, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीन पे, इस पे हम देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट, इसमें देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन आपको दिख रहा होगा। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है अलग अलग है, उसको आपको एक नहीं करना है। पहला चेक करते हैं आर और एल, तो देखिए आर और एल एक ही स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं आर एल, कौन कौन सा रिलेशन है, ये है, ये है, ये है। तो देखिए यहीं पर अपोजिट साइन आ गया, मतलब ये तो हो जाएगा रॉन्ग और आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बी और पी चेक करते हैं, तो देखिए बी इधर है,
ये अलग स्टेटमेंट हो जाता है, और पी है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन आएगा तो आपको इन दोनों में कॉमन टर्म ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे टी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी टी दिख रहा होगा, तो इनको हम रिलेट करते हैं, जैसे कि पी टी तक जाते हैं, ठीक है। के है उसके बाद ग्रेटर देन आर, फिर ये टी, अब यहाँ टी के बाद क्या है, ए बी। अब हम पी और बी के बीच निकाल सकते हैं, ये पी है और ये बी है, ठीक है। तो पी और बी के बीच हम जो जो साइन है उसको लिख देते हैं, ठीक है। किसकी चलेगी, इसकी, मतलब ये होगा आंसर। और देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि नहीं यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बी इज़ ग्रेटर देन पी ही है, ठीक है। आप इसको कैसे भी लिखो, साइन को इधर कैसे भी करो, मतलब यही होता है। तो बी इज़ ग्रेटर देन पी, यहाँ पे भी बी इज़ ग्रेटर देन पी है, तो ये सही हो गया। अब इसको चेक करते हैं तीसरे नंबर को, यहाँ पे भी हमको कॉमन टर्म लेना पड़ेगा, सी इधर है और ए इधर है, तो टी को ही हम लेंगे। टी से यहाँ पे जाते हैं हम टी, और यहाँ पे एम सी, और यहाँ पे हम जाएंगे टी के बाद बी तक ना, तो टी है लेस देन इक्वल टू ए, फिर ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो आपको साइन को पलटने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए हम जाएंगे सी से लेके ए की ओर, ए की ओर जाना है, हम यहाँ तक नहीं भी करते तो चलता, सी और ए के बीच जो जो साइन है उसको लिख देते हैं। तो ये ए है और ये सी है, इसके बीच क्या है, ये चलेगी किसकी, बड़े भाई की। तो यहाँ पे देखिए ये होगा ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसको आप पलट दीजिए, मतलब वही है, सी इज़ लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, या ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब वही होता है पलटने से, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, चौथा देखते हैं। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट हैं, एक ये और एक ये। अब निष्कर्ष हम यहाँ पे देखेंगे, पहला और दूसरा चेक करेंगे, और ऑप्शन आपका यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये ऑप्शन में बताना है कि सही क्या है। तो पहले एन और क्यू को देख लेते हैं, एन और क्यू, तो देखिए एन यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, कॉमन टर्म आपका दिख रहा है आर, तो हम जाते हैं एन से आर, एन आई आर, और आर के बाद ये आपको दिखेगा एन और क्यू के बीच ढूंढ रहे हैं ना, तो आर के बाद ये हो गया, क्यू हो गया, तो ये देखिए अब एन और क्यू के बीच हम यहाँ पे निकाल पाएंगे, तो क्यू हो गया, एन हो गया, तो ये साइन में देख सकते हैं आप, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, चलेगी किसकी, इसकी, छोटे भाई की पत्नी की। अब यहाँ पे ये जो है आपका रॉन्ग हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है एन और क्यू ही बोल रहा है, ठीक है। हम इसको ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं, एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, तो देखिए एन और क्यू, इन दोनों में एन और क्यू है, तो देखिए ये इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब वही होता है, ये इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों हैं, और इस दोनों में ये आपको ऑप्शन में कहाँ कहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, ना तो एक सही ना दो सही, या तो एक सही या दो सही। तो जब भी आपको टर्म जो है, लेटर जो है, दोनों दो में एक एक ही दिखेगा, और ये दोनों इंक्लूड मिल जाएगा इस तरह से ऑप्शन में, तो ये वाला हमेशा ऑप्शन आता है, आइदर वन और टू इज़ ट्रू, ठीक है, या तो एक सही या दो सही। तो हमेशा आपको इस तरह से जो है ऑप्शन सही लेना है, जब जिस तरह से आपको दोनों साइड एक ही दिखता है, तो ठीक है। जैसे एन क्यू दिखा और इसमें दोनों आपको मिल गया, एक ग्रेटर देन भी मिल गया, इक्वल टू भी मिल गया, तो इसलिए इसका जो है सही होगा ऑप्शन दो। अब हम देखते हैं यहाँ पे पांचवा देख लेते हैं, पहला के और ओ, तो देखते हैं के और ओ यहाँ पे अलग अलग है, कॉमन टर्म लेना पड़ेगा, के और ओ के बीच कॉमन टर्म क्या होगा, यहाँ पे है एन, तो यहाँ पे भी है एन, ठीक है। तो देखिए के से एन तक जाएंगे हम पहले, के उसके बाद ये हो जाता है, बीच के लेटर को भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि हम साइन में फोकस करेंगे, ये हो गया, यहाँ पे एन है और ओ तक जाना है हमको, तो एन का जो साइन होगा ये अपोजिट हो जाएगा ओ के, ठीक है, मतलब इस तरह हो जाएगा। तो देखिए के और ओ के बीच आपको साइन फोकस करना है, तो ये वाला साइन जो है आ जाएगा, ठीक है, छोटे भाई की बीवी का, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब के और ओ के बीच, के और एन के बीच देखते हैं, ठीक है, तो के और एन के बीच देखिए ये साइन है, ये साइन है, ये साइन, मतलब चलेगी किसकी, के और एन के बीच ये चलने वाला है, छोटे भाई की,
छोटे भाई की बीवी के, ठीक है। तो के और एन के बीच भी यही साइन आ गया, तो ये आपका सही हो जाता है। तो ये सही हो जाता है, तो आपका यहाँ पे ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। के और पी के बीच देखते हैं, के यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, कॉमन टर्म हमको लेना पड़ेगा। तो देखते हैं के से यहाँ पे देखते हैं कॉमन टर्म क्या होगा, एन तक जाना पड़ेगा हमको। तो साइन लिख देते हैं, एन तक जाते हैं, यहाँ पे एन मिलेगा आपको, और यहाँ पे अपोजिट जाना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से पी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको यही चलने वाला है छोटे भाई की पत्नी का, तो ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन में ये होता है कि या तो चार सही है या पाँच सही, मतलब आइदर 4:2 और 5:2, तब ये जो है यहाँ पे सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया है, तो यहाँ पे ये जो है दोनों गलत हो जाएगा, केवल यहाँ पे तीन सही हैं। तो इस तरह से आपको एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन बनाने हैं, सारे क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।